नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरजी बिहार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मंजली। आज की बड़ी खबर, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद आनंद फानंद में उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया है। लालू यादव के सीने में दर्द की शिकायत बताई जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कई तरह की बीमारियां हैं। उनका इलाज दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों चारा घोटाले मामले में 7 दिन तक लालू यादव को जमानत पर रिहा किया था। जमानत पर रिहा होने के बावजूद लालू दिल्ली से पटना नहीं आए, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उनकी सेहत रही है। अब जो ताज़ा खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक कुछ परेशानियों के कारण उन्हें दिल्ली एम्स लाया गया है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ज्यादा खराब है या फिर वह रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली एम्स पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार खबर ये भी मिली है कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर ही रह रहे हैं। उनकी पत्नी और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी दिल्ली में हैं। तेजस्वी यादव भी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। तेज प्रताप यादव भी दिल्ली गए थे। बीती रात तेज प्रताप यादव लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच जो टकराव की स्थिति है, उसमें सुलह की कोशिशें भी हुई है, लेकिन बात नहीं बन पाई। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आरजी बिहार न्यूज पर।